यहाँ पर टैली ईआरपी 9 हमने ओपन कर लिया है और हम अब गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू पर आ चुके हैं। यहाँ से अल्ट के साथ आपको F3 प्रेस करना है। जैसे ही अल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो कंपनी इंफॉर्मेशन के विंडो पर आ जाएंगे। हमें यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी पे जाना है और S प्रेस करना है ताकि हम बनी हुई कंपनीज में से कोई कंपनी सेलेक्ट कर सके, क्योंकि जिस कंपनी में हमें काम करना है वो कंपनी ये नहीं है, वेट ऑप्शन, इस कंपनी में हमें नहीं काम करना। तो चलिए उस कंपनी पर चलते हैं। ये अविनाश राय नाम की कंपनी है, इसी को ले लेता हूँ। हमारे यही स्टूडेंट हैं और इन्हीं को कंफ्यूजन है, तो अभी इनकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। तो यहां से सबसे पहले ये वेट ऑप्शन वाली कंपनी हमें बंद करनी है। यहाँ पर जाकर के एच प्रेस करना है और ये वेट ऑप्शन कंपनी बंद कर देनी है। अब हमारे पास एक ही कंपनी कुल मिलाकर ओपन है, अविनाश राय वाली कंपनी। अब चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर पर। यहाँ पर पेमेंट वाउचर शो हो रहा है, हम कहाँ चलेंगे? हम चलेंगे सेल्स वाउचर पर। सेल्स वाउचर में आ गए, यहाँ पर 890 नंबर का रेफरेंस नंबर डाल दिया है हमने और 7 नंबर बिल है। यहाँ पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर, ये डेटर पार्टी का लेजर डाल दिया हमने। एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर एड्रेस डालेंगे, एड्रेस जो है लोकल का ही हम रखेंगे। यहाँ पे न्यू कॉलोनी देवरिया कर दिया हमने, यानी एड्रेस हमने डाल दिया। एंटर प्रेस किया और यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आ गया, यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा। लेजर वगैरह बनाना हमने पहले भी बताया है हर वीडियो में, तो इस पर बहुत ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता इस वीडियो में। अब हम स्टॉक आइटम की बात करेंगे। तो एक बात तो तय है कि जिंदगी में कभी भी आप एंट्री करिएगा तो सेल्स वाउचर में आप स्टॉक आइटम मत बनाइएगा, क्योंकि स्टॉक आइटम हमारे पास पहले से मौजूद होता है। हम सेल करते वक्त, कोई सामान बेचते वक्त स्टॉक आइटम नहीं मंगाते, ठीक है? हमारे पास स्टॉक आइटम पहले से मौजूद होता है, उसी वक्त हम स्टॉक आइटम मंगा लेते हैं और उसको सेल करते हैं। तो अभी एंट्री करते वक्त स्टॉक आइटम बनाना ठीक नहीं होता है, तो ये चीज आप अवॉइड करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या क्या मौजूद है वो देख लेते हैं। कीबोर्ड के 24 आइटम मौजूद है, इनको ले लेते हैं। एंटर प्रेस करता हूं और कीबोर्ड के 24 में से 23 आइटम हम सेल करेंगे। एक की कीमत हम रखेंगे ₹220, ठीक है? उसके हिसाब से यहाँ टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमारे पास क्या क्या और मौजूद है? हमारे पास पैरासिटामोल के टेबलेट्स मौजूद है, तो इनको भी हम सेल कर रहे हैं, ठीक है? और हम 12 पैकेट सेल करेंगे। यहाँ पे नेगेटिव स्टॉक आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 10 ही पैकेट अवेलेबल है, तो यहाँ 10 पैकेट कर देते हैं। और एक की कीमत रखेंगे हम ₹170। एंटर प्रेस करेंगे और इसको सेल करेंगे, ठीक है? अब आगे बात करेंगे। आगे हमारे पास क्या क्या चीजें हैं देख लेते हैं। पाइथन की 5 बुक्स अवेलेबल हैं, हैंडवॉश के 40 पैकेट्स अवेलेबल हैं, तो हैंडवॉश सेल कर देते हैं। यहाँ से 40 में से 39 जो पैकेट है हैंडवॉश के वो हम सेल कर रहे हैं और एक हैंडवॉश ₹112 का हम सेल करेंगे। एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद से पाइथन की बुक है, तो पाइथन की बुक की बात कर लेते हैं, यहाँ से ले लेते हैं। और हमारे पास 5 बुक है, 4 बुक हम सेल कर देते हैं यहाँ से। एक बुक की कीमत हम ₹2000 ही रखने वाले हैं। एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी की बात करेंगे। सी प्रेस करता हूँ क्योंकि लोकल स्टेट का मामला है, तो सीजीएसटी आ गया। अब यहाँ पर एसजीएसटी की बात करेंगे, एसजीएसटी लगा लेते हैं यहाँ से। तो ये एसजीएसटी सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस करेंगे तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों आ जाएगा। अब कभी कभी कंफ्यूजन ये होती है कि हम अलग अलग आइटम्स पर अलग अलग जीएसटी लगाना चाहते हैं, तो आप जब आइटम क्रिएट कर रहे हो उसी वक्त आप जीएसटी लगा दें तो वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? अगर आप जीएसटी का रेट देखना चाहते हैं कितना कितना किस पे लगा, तो अल्ट के साथ ए प्रेस कीजिए, यहाँ पर सारे रेट शो हो जाएंगे। ये भी मैंने हर वीडियो में बात की है इस बात पर, ठीक है? एंटर प्रेस करके और अब इसको न्यू रेफरेंस करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। एक्सेप्ट करा लिया, नरेशन चाहे तो आप डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। चलिए अब इसके पेमेंट की बात है। तो देखिए, कभी भी आपकी दुकान है, अगर आप कोई सामान सेल कर रहे हैं तो पेमेंट आप रिसीव करेंगे, ये बात याद रखिएगा। आइए अब पेमेंट इसका कर लेते हैं। तो कैसे पेमेंट करेंगे? अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, यहां से जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, और रिसिप्ट वाउचर में जाने के बाद दुर्गेश डेटर को कर दीजिए क्रेडिट। कितने रुपए शो हो रहे हैं? ₹22,572। तो ₹22,572 इनसे टोटल ले लीजिए और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस आ जाएगा, 7 नंबर का बिल था। एंटर प्रेस किया, कैश में पेमेंट कर रहे हैं ये, और एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। अब जब यहाँ पर आइएगा आप और इनको दोबारा पेमेंट करवाने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पर इनका बैलेंस 0 शो करेगा। तो ये फायदा है, ये तरीका है, ठीक है? और ये बात तय है कि कभी भी स्टॉक आइटम आपको बनाना है तो परचेज में ही बनाइएगा, सेल्स वाउचर में ना बनाइएगा स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम सेल्स वाउचर में नहीं बनता है, तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है?
अगर वीडियो पसंद आती हो तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।